अच्छा सुनो, वैसे आप हो कौन? कट्टर हिंदू। अरे ओ कट्टर हिंदू, कट्टर हिंदू बनने आए। अरे वो एल्विस भाई है जो कट्टर हिंदू है, और तू एल्विस भाई का डुप्लीकेट। तू तो व्यूज और लाइक के लिए बोल रहे कि मैं कट्टर हिंदू, और वो एल्विस भाई है जो कट्टर हिंदू है, वो व्यूज और लाइक के लिए नहीं बोलता कि मैं कट्टर हिंदू, समझाना। असल उगानी होती तो गांव जाकर हल चलाता, बंदूक चलाने शहर नहीं आता। हाँ भाई, इस बंदे को अगर फसल उगानी होती ना तो यह गांव जाके हल चलाता, बंदूक चलाने शहर क्यों आता? बंदूक चलाने शहर नहीं आता। बंदूक? अरे भाई बंदूक कहाँ है? अरे यार, हमारा भारत देश कितना तरक्की कर रहा है कि नहीं? देखो तो आजकल के बच्चे साले हाथ से गोली चला रहे हैं। नहीं मतलब कुछ भी बना दोगे, हाथ से गोली चला दोगे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं गाइस, एक टाइम ऐसा था कि बच्चों को एक पेंसिल और एक नोटबुक दी जाती थी, और आजकल के जो मम्मी पापा है वो पता क्या करते हैं, बच्चों को स्मार्टफोन दे देते हैं कि बेटा हमारा पढ़ाई करेगा, और वही लड़का बाद में पता क्या करता है, तो यार वो खुद ही असली औकात पे आ गया, अब दुश्मनी करने का मजा आएगा। देखा, यही नतीजा होता है जब इनके मम्मी पापा इनको फोन दे देते हैं कि पढ़ाई करेगा, पर नहीं, इन भाई साहब को तो इंस्टाग्राम की रील्स वीडियो बनानी है। दम नहीं है, खोखला हो गया तू, तेरी आंखों में डर दिख रहा है। ए देखो तो, इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े डायलॉग मार रहे हैं। खोखला हो गया तू। अरे बेटे, अगर तुझे कोई एक थप्पड़ भी मार देगा ना तो तेरी सारी डायलॉग बाजी बाहर निकल जाएगी। बड़ा आया दम नहीं। सुना है? अरे भाई, किसने सुन लिया कि ये दोनों कोयले की खदान से अभी अभी बाहर निकले हैं? अरे ओ भाई, ये क्या है, ये क्या फैशन है? देखो तो, इस भाई की पैंट कितनी छोटी है, और इस कलुए को देखो, साला पूरा गोरिल्ला लग रहा है। अरे भाई, तुम दोनों वीडियो बाद में बनाना, जाओ जाओ जाकर पहले मुंह धोकर आओ। अबे साले, लोगों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। अरे भाई, ये बंदा किसको पसंद नहीं आया? वैसे भी महंगी चीजें हर किसी को पसंद नहीं आती। क्या क्या क्या, महंगी चीज हर किसी को पसंद नहीं आती? अबे तू खुद को महंगा समझ रहा है? अबे मैं चाहूँ तो तेरे को कोयले वाली खदान में ना काम पर लगवा सकता हूँ, वो भी 150 रुपए वाली दिहाड़ी में, समझा? बड़ा आराम महंगी चीज।